मैं सोच रही थी ये फाखिर को मैंने कहा है कि एनी को ले जाए, जरा शॉपिंग वगैरह कराए, है ना? तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें वहाँ देख रही थी। इधर ही हूँ भाभी, आज मशीन लगाने का दिन था ना, क्या हुआ, कोई बात है? अरे नहीं नहीं, काम नहीं था, ऐसे चाय का ही कहने आई थी। वैसे वो फाखिर और एनी के दरमियान जो गड़बड़ थी वो कुछ बेहतर हुई? अरे भाभी, उन दोनों के बीच में नरम गरम चलता ही रहता है, लेकिन जब अनाया की बात होती है ना, दोनों एक हो जाते हैं, छींक भी आ जाती है ना उसको, दोनों परेशान हो जाते हैं। मैंने आमना से बात करके फाखिर और एनी के दरमियान जो नाराज़गी वगैरह है उसको कम और ख़त्म करने की कोशिश तो की है, अब देखो क्या होगा। फाखिर तो मुझे कुछ बताया कर नहीं, सोच रही थी शायद एनी ने तुमसे कुछ कहा हो। मेरी बच्ची बहुत साबिर है भाभी, अब कोई बात बताती नहीं है मुझे, बड़ी हो गई है ये सोचकर कि माँ को बताऊंगी तो परेशान हो जाएगी। वाकई बहुत सब्र करने वाली। अच्छा वो मैं सोच रही थी ये फाखिर को मैंने कहा है कि एनी को ले जाए, जरा शॉपिंग वगैरह कराए, है ना? वो आए कॉलेज से तो उसको बता देना, और फाखिर को भी मैंने कहा है, मैसेज कर दिया था कि आ जाए 4-5 बजे के करीब। अच्छा है ना, दोनों जरा निकल जाए बाहर। ठीक है भाभी, चलो आओ फिर चाय पीते हैं।